देश में लाखों की संख्या में ट्रक चालक है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चालकों को रोजगार मिलता है, लेकिन हाईवे पुलिस उन्हें अपमानित कर बातचीत करते हैं। देश को आगे बढ़ाने पर चालकों का भी बड़ा योगदान है। ऐसे में चालकों के साथ पुलिस सम्मान के साथ बात करने की मांग जॉइंट एक्शन कमेटी के संस्थापक प्रहलाद अग्रवाल ने बैठक के दौरान कही। चालकों की व ट्रांसपोर्टरों की अनेक समस्या को लेकर वर्धामना कार्यालय में सोमवार को बैठक ली गई। आगे बताया कि राज्य के चेक पोस्ट पर गाड़ियों को रोका जाता है। ओवरलोड के नाम पर पोस्ट पर बैठे निजी चेक पोस्ट के कर्मचारी तथा हाईवे पुलिस से परेशानी होती है। इसके संदर्भ में बीते 5 साल से राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक चिट्ठियां लिखी गई है। केंद्र के परिवहन मंत्रालय ने देश में विविध चालक संगठन को पत्र भेजा है, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी को भी पत्र दिया गया। बैठक में चालक व ट्रांसपोर्ट की ओर से समस्या को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने की। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा कमेटी के नरेंद्र मिश्रा, प्रसाद पेटकर, संपादक इमरान शेख, दिनेश अग्रवाल, अवधेश कुमार, उपाध्याय सुनील सिंह, विजय खौसे, कल्पना लोखंडे, सौरभ पाटिल प्रमुखता से उपस्थित थी। जी, हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री प्रहलाद राय जी अग्रवाल, इनकी अध्यक्षता के नीचे हमने आज एक मीटिंग लिया था। उस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में जो समस्याएं ड्राइवर्स को भी आती है और ट्रांसपोर्टर्स को भी आती है, तो उस समस्या के बारे में हमने एक स्पेसिफिक एक जॉइंट कमीशन ने कुछ मुद्दे प्रिपेयर किए, जिनको हम लोग सारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दोनों राज्य के और केंद्र के, तो सबको हमने एक लेटर रिक्वेस्ट हमारे माध्यम से उनको ये लेटर दे रहे और हमारे सुझाव हम लोग इन लोगों को दे रहे हैं। खास मुद्दे ये है कि हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ जो बर्ताव RTO के माध्यम से किया जाता है, उस बर्ताव को थोड़ा सा सुधार उसमें आने की ज़्यादा ज़रूरत है। ड्राइवर का जो टाइम वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण एक बड़ी समस्या को हम लोग फेस कर रहे हैं। ड्राइवर का जो उसको जानबूझ के किसी कारणवश उसको वहाँ पे रोका जाता है और उसके कारण ये हमारे ड्राइवर भाई या तो फिर नशा करते या फिर गाड़ी जोर से भगाते, क्योंकि उनको आगे का टाइम कवर करना होता है, तो उसके कारण रोड में काफ़ी एक्सीडेंट का जो हमने देखा है, जो स्टडी किया है, उसका एक डायग्नोस्टिक स्टडी हमने करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो समय बर्बादी होता है उसको एक कुछ किसी हद तक लगाम लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिसर अपने कुछ निजी फायदे के लिए ड्राइवर का टाइम वेस्ट करता है और उसमें ये ज़्यादा परेशानी ड्राइवर्स को होती है और उसमें एक्सीडेंट का एक कारण होता है। दूसरा एक है कि अवैध रूप से जो वसूली की जाती है, भ्रष्टाचार, उसको एक लगाम लाने के लिए सरकार, दोनों सरकार द्वारा एक अच्छा सा काम होना चाहिए। और एक चीज़ होती है कि जैसे अभी वहाँ पे RTO के माध्यम से पैसे मांगे जाते हैं, तो फिर वो एक ड्राइवर भी सोचता है कि यार मेरा मालिक RTO को पैसे दे रहे हैं तो फिर मैं भी इससे क्यों ना निकलूँ, और वो पैसा फिर वो गलत तरीके से उसका यूज़ होता है उसके नशा पानी में या इसमें, और जिसके कारण ड्राइवर को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज की जो हम लोगों की मीटिंग रखी गई थी जॉइंट एक्शन कमेटी और भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के तरफ से, हमारे मालेगांव से पेटकर साहब आए थे, प्रहलाद अग्रवाल जी थे, अवधेश कुमार उपाध्याय जी थे, सुनील सिंह जी थे, सभी हमारे पत्रकार भाई वरिष्ठ थे, इमरान सर थे NBC न्यूज के, सभी हम लोगों ने बुलाया था। और हम लोगों का एक विषय चर्चा था कि आज जो सड़क हादसे ज़्यादातर हो रहे हैं, इनके मुख्य कारण क्या हैं। हमने नेशनल हाईवे के अंदर घूम के ये चीज़ देखा कि आज अगर भ्रष्टाचार एक मुख्य कारण है जो परिवहन माफिया इसको सक्रिय रूप से चला रहा है, और इसको चलाने वाला एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। आज हम कहीं गाड़ी भेजते हैं, 30 घंटे 50 घंटे का समय हमको पार्टी देती है, लेकिन वहाँ पे हमारा 10 घंटा 15 घंटा का समय ये अधिकारी खा लेते हैं अपनी निजी रिश्वत के लिए। अब वो समय को कवर करने के लिए ड्राइवर अपनी गाड़ी को भगाता है, नशे का सेवन करता है, मानसिक तनाव आता है, तो सड़क पे जो राज हाईवे के अंदर में हादसे हो रहे हैं, इनका मेन कारण है अवैध रूप से वसूली और भ्रष्टाचार, जिसका संचालन परिवहन माफिया, परिवहन विभाग खुद कर रहा है। तो हम सरकार से आज मांग, लेटर लिखेंगे, सभी सांसदों से मिलेंगे। अभी हमारा जो लेटर गया था, तभी दिल्ली मंत्रालय से लेटर की कॉपी भी आई है हमारे को कि आपके जो सुझाव गए हैं हमने अपने प्रदेश को लिख के भेजे हैं। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, नितिन गडकरी साहब से, प्रधानमंत्री जी से, अगर परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार को तत्काल प्रभाव से रोक देंगे तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बच जाएगी, उनको रोजगार मिल जाएगा, और इसी रोजगार के सिलसिले बचाने के लिए
हम सभी ने मजदूर जवान किसान सब और ड्राइवर भाइयों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ में हम सभी महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, सभी ट्रक चालक मालकों को भी जोड़ रहे हैं। जो महिलाएं उनके पति या उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार इस ट्रक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके ऊपर रोड पे अत्याचार या शोषण किया जा रहा है उन ड्राइवर भाइयों का, तो सबको ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। और हम शासन प्रशासन तक ये मुद्दे को हरदम पहुँचाता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। और ये संगठन जो है किसी विचार से बनाया गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।